हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल फन विद निकिता। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है फादर्स डे, तो गाइस आज के इस खास मौके पर मैंने बनाया है ये पेंटिंग। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोग ये पेंटिंग की तो वीडियो देखोगे ही, एंड साथ ही साथ हम आपसे कुछ बातें भी शेयर करेंगे जो आज तक अपने पापा से कभी बात ही नहीं कर पाते, कभी शेयर ही नहीं कर पाते, उन्हें कुछ कह ही नहीं पाते। तो गाइस आज के इस वीडियो के थ्रू पे हम लोग काफ़ी सारी बातें अपने पापा के बारे में कहेंगे, और आप चाहो तो अपने पापा को भी ये बातें सुना सकते हो। तो दोस्तों, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करती हूँ अपने पहले बचपन की, जब मैं इस दुनिया में आई, जो पहली बार उन्होंने अपनी गोद में मुझे उठाया, मानो जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ ही उन्हें मिल गई हो। मेरी खुशियों के लिए वो सारी चीज़ें करते जिससे मेरे चेहरे पर स्माइल आए, लेकिन अपनी खुशियों का, अपनी खुशियों के लिए कुछ भी नहीं करते। कहते हैं कि तुम ही तो मेरी दुनिया हो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, तुम खुश तो मैं खुश। और कभी अगर मेरी आंखों से आंसू आ जाए तो माँ तो प्यार से चुप करा देती है, लेकिन पापा की डांट की वजह से चुप होना पड़ता है। मतलब कोशिश बस यही रहती है कि किसी भी वजह से हमारी आँखों में आंसू ना पाए, चाहे वो अब प्यार से हम मान जाए या फिर डांट से, किसी भी तरीके से बस हमारी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। हमारे चेहरे पे वो बस मुस्कान ही देखना चाहते हैं, लेकिन हाँ वो चुप चुप कर रोते रहते हैं, हमें नहीं दिखाते कि वो कितने दुखी हैं, लेकिन चुप चुप कर वो भी रोते रहते हैं, काफ़ी गुड गुड कर अपनी ज़िंदगी को जीते रहते हैं, अपने अपने ख्वाहिशों को मारते रहते हैं। हमारी ख्वाहिशें पूरी करते करते अपनी ख्वाहिशें को बहुत 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 दूर भेजते रहते हैं। मेरी सारी ज़रूरतों को मेरे बोलने से पहले ही पूरी कर दी जाती है, मैं बोलूँ इससे पहले वो चीज़ मेरे सामने हाजिर हो जाती है। एक पल में मैंने वो बात ये सोची कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए, और दूसरे ही पल वो चीज़ मेरे सामने हाजिर। और अगर कोई त्यौहार आ जाए तो सबसे पहले तो बस वो यही सोचते हैं कि बच्चे के लिए नए कपड़े लेने होंगे, बच्चे के लिए ये लेने होंगे, वो लेने होंगे, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं लेते। कहते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है ही, तुम ले लो। कहने को मेरे पापा कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, बहुत बड़े पैसे वाले आदमी नहीं है, हाँ लेकिन एक छोटा सा कारोबार है उनका, जिसमें दिन क्या, रात क्या, गर्मी क्या, बरसात क्या, कुछ नहीं देखते, बस काम करना है तो करना है, चाहे उसमें उनकी सेहत ही क्यों ना ख़राब हो जाए। खुद का ख्याल तक नहीं रखते, दो वक्त का खाना तक ढंग से नहीं खाते, लेकिन हाँ पैसे कमाने होंगे, पैसे कमाएंगे तब तो घर चलेगा अपना, तब तो बच्चे को कुछ नया चीज़ें देंगे। मतलब दिन रात बस हमारे बारे में ही वो सोचते रहते, अपने बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। और कभी अगर मुझे बुखार हो जाए तो वैसे तो माँ रहती ही है मेरे साथ, दिन क्या रात क्या, जागती ही है मेरे साथ, तो कच्ची नींद में पापा भी सोया करते हैं, आधी रात को जाग जाग कर मुझे देखा करते हैं। कहने को तो कई लोग कह देते हैं कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बन जाओ, ठीक है कामयाब हो जाओ, लेकिन एक्चुअली में ना वो अंदर से ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे ज़्यादा कामयाब इंसान बनो। हाँ, लेकिन दुनिया में एक ऐसे भी इंसान है जो आपके बचपन से लेकर आपके जवानी तक या फिर बुढ़ापे तक कह सकते हैं, वो बस यही दुआएं करते हैं आप उनसे ज़्यादा कामयाब इंसान बनो, आप अपनी ज़िंदगी में उनसे ज़्यादा खुश रहें, आपकी सारी की सारी ज़रूरतें पूरी हो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनकी तरह सेक्रीफाइसेस आपको ना करना पड़े, यानी उनकी तरह अपने ज़रूरतों को मारना आपको ना पड़े, आप इतने ज़्यादा कामयाब इंसान बनो। और वो बस एक ही इंसान है, उनका नेम है आपके पापा। हमारे पापा ही एक ऐसे इंसान होते हैं जो ऑलवेज हमारे लिए यही विश करते हैं कि आप उनसे ज़्यादा कामयाब इंसान बनो। वो जिस ज़िंदगी को जिए हैं, जिस प्रॉब्लम्स को वो फेस किए हैं, वो प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करना पड़े, आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो, बस यही वो विश करते हैं। लेकिन आजकल की जो जनरेशन आ गई है ना, ये थोड़ा सा अपने लाइफ में सक्सेसफुल क्या बन जाते हैं, लाइक उनके लिए तो पेरेंट्स बोझ ही बन जाते हैं। जिन हाथों को पकड़कर उन्होंने चलना सीखा है, उन हाथों से उन्हें आशीर्वाद लेना भी पसंद नहीं। जिन कंधों पे चढ़कर उन्होंने काफ़ी मेले घूमे हैं, काफ़ी दुनिया के सैर किए हैं, वो कंधे ही उन्हें बोझ लगने लगते हैं। जो इंसान आपको आपकी बचपन से लेकर आपकी कामयाबी तक आपके साथ है, आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरी करते हैं अपनी ज़रूरतों को मार कर, और जब वो वक्त आता है जब आप उन्हें सहारा दो, आप उनका साथ दो, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करो, तो आप उन्हें बोझ समझने लगते हो। मतलब जिनकी वजह से आपको इतनी सारी कामयाबी मिली है, आप उन्हें ही बोझ समझने लगते हो।
दोस्तों ऐसे ही लोगों की वजह से ना आज वृद्ध आश्रम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट बॉक्स पे अपनी सजेशन, अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी बातें, मेरी ये लाइन्स, मेरी ये पेंटिंग अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को बस एक लाइक एंड एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ हमारे चैनल पर और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर बजाइएगा। एंड ऑल्सो गाइज, मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गो एंड फॉलो मी। एंड ऑल्सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस फुल वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। एंड इन लास्ट, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू गाइज। आई विश कि आप सभी के पापा लंबी उम्र जिए।